Nidoti. द्वितीय व्यक्ति का नियम नंबर एक वो यह है, शब्दस्य योगे द्वितीया, यानी कुछ शब्द है उस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब वो शब्द है कौन कौन से वो अपन देखते हैं। अब इनको तीन भागों में अपन बांट लेते हैं। पहला भाग है अभीतः प्रीतः सम्या निक्षा हा प्रति उभ्यतः सर्वतः, ये दो शब्द इनके साथ हो। यहां मैं इनका हिंदी अर्थ लिख देता हूं। इसका अर्थ होता है दोनों ओर, इसका अर्थ होता है चारों ओर, इसका इन दोनों का अर्थ होता है पास में, इन दोनों का अर्थ पास में, हा का अर्थ होता है हाय, और प्रति का अर्थ होता है की ओर। ये इनके अर्थ है, ये इनके हिंदी अर्थ है। भाग नंबर ब, इसका भाग नंबर ब, बेम है अंतरा अंतरेण धिक अनु यावत। अंतरेण के साथ एक शब्द और है वीणा। इनके भी हिंदी अर्थ अपन देख लेते हैं। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, अंतरेण का अर्थ होता है बिना, धिक का अर्थ होता है धिक्कार, अनु का अर्थ होता है पीछे, और यावत का अर्थ होता है तक। उसके बाद स नंबर, स है अधो अधः अध्याधि ऊपरी ऊपरी, इनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। यह है सबसे नीचे, यानी नीचे ही नीचे, सबसे अंदर, अंदर ही अंदर कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है सबसे ऊपर। तो ये शब्द हैं, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जो कि अपने तीन भागों में इनको बांट लिया है। अब इनको उदाहरण से अपन समझते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे उदाहरण लिखा विद्यालय परितः जलम अस्ति, विद्यालय। अब विद्यालय में विभक्ति तो अपने को पता है कि विभक्ति तो प्रथमा या द्वितीय इसमें है, तो विभक्ति तो द्वितीय। अब विभक्ति का कारण इन शब्दों में से कौन सा है? इन शब्दों में से प्रीतः शब्द आया हुआ है। इस प्रीतः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? वो होती है द्वितीय। तो लिख देंगे प्रीतः शब्दस्य योगे द्वितीय।
तो ऐसे ही इनमें से कोई ना कोई कारण ये जो शब्द यहाँ आया होगा, उस शब्द के जो ये शब्द है, ये उपपद जिनको बोलते हैं, इन उपपदों के कारण यहाँ जो शब्द रहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति रहेगी। ये शब्द है और इन शब्दों में ये जो तीन तीसरे भाग है, इसकी एक बात अपने को ध्यान देनी है कि यदि यह शब्द कौन से, यह शब्द अकेले अकेले आए, अकेले अकेले आए तो षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति होती। अब ये दो तो है, अदर अदर, अभी अभी यदि ये अकेले अकेले आते हैं, अकेले अकेले आएंगे तो षष्ठी विभक्ति होगी। तो ये चीज अपन षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में पढ़ेंगे। तो ये शब्द यहां पूरे हो गए, पहला नियम इसका कंप्लीट हो गया। अब उपपद विभक्ति के साथ एक चीज अपन को और देखनी है कि ये जो उपपद विभक्ति है, उपपद विभक्ति के साथ, उपपद विभक्ति के साथ दो चीजें और चलती है, वो चलती है अनुवाद यानी संस्कृत अनुवाद और अशुद्धि संशोधन। ये दो चीजें साथ में चलती है। कैसे चलती है? जैसे अपन प्रथम विभक्ति देखते हैं, मान लो प्रथम विभक्ति का नियम लिखा उसने राम या ऐसे कर सकते हैं रामेशु इति, रामेशु इति नृपः, ऐसा उसको उसने अंडरलाइन कर दिया, या इसको अंडरलाइन नहीं करके वो इसको पूछ ले शुद्ध रूप कि इसका शुद्ध रूप क्या है। तब अपने को पता है कि जो इति शब्द होता है उस इति शब्द के योग में विभक्ति कौन सी होती है, वो यहाँ होती है प्रथम विभक्ति रहती है। लेकिन यहाँ कौन सी लगा रखी है, यहाँ लगा रखी है शब्द में, यहाँ कौन सी शब्द में, तो ये गलत है। अब इसको सही कर देंगे तो इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा राम इति नृप, तो ये सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना अशुद्धि वाला, अशुद्धि वाला हो गया। अब हिंदी बनानी हो तो हिंदी बनाने जैसे अरे बाल को यहां आओ, अरे बाल को यहां आओ। अब अपन को देखना है कि ये जो हिंदी में संबोधन वैसे ही होता है, तो इसको लिख देंगे अरे का संस्कृत में कहते हैं हे बालकों का, बाल का अत्र आ गच्छत, ये इसकी हिंदी अनुवाद बनते। तो क्या कहा मैंने, उपपद विभक्ति के साथ अनुवाद और अशुद्धि संशोधन भी चलता है। तो ये अशुद्धि संशोधन अपन ने किसका देखा, ये जो अशुद्धि संशोधन था वो अपन ने प्रथम विभक्ति का देखा। अब अपन देख रहे हैं द्वितीय विभक्ति अपनी चल रही थी, उस द्वितीय विभक्ति में जो नियम नंबर एक था उसमें हिंदी अनुवाद और अशुद्धि संशोधन कैसे होगा। तो इसमें पहले अनुवाद, यानी अनुवाद कौन सा, संस्कृत अनुवाद, हिंदी से संस्कृत, जैसे लिखा घर के ऊपर ही ऊपर, घर के ऊपर ही ऊपर पताका है,
एक शब्द ये एक पूरा ये हो गया, एक ही हो गया और एक ये क्रिया हो गई। अब वैसे देखें तो घर के अभी वैसे देखें तो है क्या संबंध, और संबंध में होती कौन सी है, षष्ठी विभक्ति होती है। ये अपने कार्यपत्र में पढ़ा का के की संबंध और संबंध के अंदर षष्ठी विभक्ति देती है। अब ऊपरी 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 ऊपर का अर्थ क्या होता है, ऊपरी ऊपरी, ठीक है। तो अपन ने उपपद विभक्ति में पढ़ा कि जहां ऊपरी ऊपरी शब्द आता है वहां विभक्ति होती है द्वितीय। कारक चिन्ह या कारक विभक्ति के कारण तो षष्ठी हुई, लेकिन इस उपपद के कारण विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय। तो इसके हिंदी अनुवाद से क्या बनेगा, ग्रह, तो हो जाएगा ग्रह ऊपरी ऊपरी पताका अस्ति, इससे हिंदी अनुवाद हो गया। तो ये तो अपना हो गया हिंदी से संस्कृत अनुवाद। उसके बाद इसी का अशुद्धि संशोधन करें तो अशुद्धि संशोधन में सा सा गंगाया विना न निवसति। अब यहां अपन को ध्यान है कि बिना शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, या है कौन सी, या है तो षष्ठी जो कि गलत है, होती कौन सी है, होती इसके योग में कौन सी होती है, द्वितीय होती है। तो इसको जब सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध क्या होगा, सा गंगाम बिना न निवसति, ये इसका सही हो जाएगा। तो ये अपन ने जो द्वितीय विभक्ति का पहला नियम था तो उसके साथ संस्कृत अनुवाद और अशुद्धि संशोधन कैसे आता है, किस प्रकार अपन को करना होता है, वो अपन ने समझा। अब अपना द्वितीय विभक्ति का नियम नंबर दो, द्वितीय विभक्ति का नियम नंबर दो, नियम नंबर दो ये कह रहा है उपसर्ग, उपसर्ग पूर्वकम धातु योगे द्वितीय। यानी कोई उपसर्ग रहेगा या कोई धातु रहेगी, उस धातु से पहले उपसर्ग रहेगा तो वह उपसर्ग पूर्वक उस धातु के योग में कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति होती है। अब वह धातु है कौन कौन सी, वह उपसर्ग धातु कौन सी, वो अपन को देखनी है। तो वो है, पहले है अधि प्लस सी, यानी अधिशेते, जिसका अर्थ होता है सोता है। दूसरी है अधि प्लस आश, तो हो गया अध्यास्ते, अध्यास्ते इसका हिंदी अर्थ होता है बैठता है। तीसरा है अधि प्लस स्था, ये हो जाएगा अधिक तिष्ठति, इसका अर्थ हो जाएगा बैठता है। फिर चौथा है आ प्लस वश, अवस्थि, अवस्थि का अर्थ होता है
रहता है। फिर पांचवा है उपपलस वस उपवस्ति, जिसका अर्थ होता है पास में रहता है। फिर छठा है अधिपलस वस, जो हो जाएगा अधिवस्ति, जिसका अर्थ होता है में रहता है। सातवां है अनु अनु प्लस वस अनुवस्ति, जिसका अर्थ होता है पीछे रहता है। आठवां है अभी और नी, दो उपसर्ग है अभी नी प्लस पिश, इसका हो जाएगा अभिनी विस्ते, इसका अर्थ हो जाएगा प्रवेश करता है। ये आठ उपसर्ग पूर्वक धातुएं हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो इन तीन धातुओं सी आस स्था में अधि उपसर्ग है, यहां इन चार में वस धातु के आगे आ उप अधि अनु उपसर्ग है, इसके अंदर विस धातु में अभि और नि दो उपसर्ग है। तो ये नियम है, इन नियमों को अपन उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण लिखा हरि ही वैकुंठम अध्यास्ते, ये एक उदाहरण लिखा, इसको अंडरलाइन कर दिया। तो अपने को यहां का जो शब्द देखना है कि ये अध्यास्ते, ये इनमें से आया हुआ है, तो अध्यास्ते ये रहा। तो अध्यास्ते ये जो क्या है, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु है, और अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहां जो विभक्ति रहेगी वो तो रहेगी द्वितीय, और जो कारण रहेगा वो अपन लिखेंगे उपसर्ग। कौन सा है, अधि उपसर्ग पूर्वकम, धातु कौन सी अपने पास, आस धातु योगे द्वितीय, योगे। तो ये विभक्ति कौन सी, उसका कारण कौन सा, ये इन उपसर्ग पूर्वक कुछ धातु हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जो कि उदाहरण द्वारा हमने समझ लिया। अब इसके अंदर यदि संस्कृत अनुवाद करना हो, संस्कृत अनुवाद करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आप इनमें से कुछ भी लिख लीजिए। जैसे वह मेरे घर के पास रहता है, वह मेरे घर के पास रहता है। अब पास रहता है इसका अर्थ अपने को आता है, वो पास रहता है इसका अर्थ होता है उपवस्ती, पास रहता का अर्थ और अपने को नहीं आता, लेकिन अपने को यह पता है पास रहता का एक अर्थ क्या होता है, उपवस्ती होता है। तो उपवस्ती, अब जैसे यहां जो लगा हुआ है ये घर के, होना तो कौन सी चाहिए थी, षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन हम उपवस्ती लगा रहे, तो उपवस्ती के योग में कौन सी होती है, उपवस्ती के योग में होती है द्वितीय। तो वाक्य बन जाएगा सह मम मेरे गृहम उपवस्ती,
उपवस्ती ये बन जाएगा। वह मेरे घर के पास रहता है तो मम गृहम उपवस्ती। तो ये जो है इसमें द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि उपवस्ती के बाद उपवस्ती के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ये हमने पढ़ा। अब इसी में से अपन को यदि अशुद्धि संशोधन ये करना पड़े तो देखिएगा वाक्य लिखा है, एक वाक्य लिखा है नृपः सिंहासने अधितिष्ठति, ऐसा एक वाक्य लिखा है। अब इसको शुद्ध करना है या अशुद्ध है, जो शुद्ध करना है अपनों को ये तो पता है कि अधितिष्ठति विभक्ति नंबर दो का नियम नंबर दो है, जो कि कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु के योग में द्वितीय होती है, तो अधिस्थि के योग में द्वितीय होती है। लेकिन यहाँ कौन सी लगा रखी है सप्तमी, तो ये गलत है, तो यहाँ आएगी कौन सी द्वितीय आएगी, तो इसको अपन सही कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा नृप सिंहासनम अधि तिष्ठति, ये विभक्ति द्वितीय का नियम नंबर दो हो गया, जिसको अपन ने विभक्ति उसका कारण भी पढ़ लिया और साथ में संस्कृत अनुवाद भी कैसा बनता है इसका वो पढ़ लिया और अशुद्धि संशोधन भी कैसा होता है वो अपन ने पढ़ लिया। अब अपने पास है इसका नियम नंबर तीन। नियम नंबर तीन कहता है नियम नंबर तीन त्रिकर्मक धातु योगे द्वितीय, द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय। अब द्विकर्मक कौन सी है क्या है, तो द्विकर्मक 16 धातुओं होती है, ये 16 धातु होती है जिनका दो कर्म रहते हैं जिन्हें द्विकर्मक बोलते हैं। वो 16 धातु है कौन सी, वो अपन चार पार्ट में इनको देख लेते हैं। तो पहला पार्ट इसका है वो है ए, वो है ची जी ब्रू सास। दूसरा पार्ट है मत मुस नी रुद्ध, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है दंड दूह पच याच। चौथा पार्ट है पृच्छ वह कृष ही। तो ये 16 धातु हैं जिनके चार पार्ट हमने बनाए, ये चार पार्ट केवल याद करने के लिए बनाए हैं। 16 धातु हैं जिनको क्या कहते हैं, द्विकर्मक कहते हैं। द्विकर्मक का मतलब होता है द्वि यानी दो, कर्मक यानी कर्म वाली, दो कर्म वाली जिनके दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक होते हैं। उस द्विकर्मक के अंदर संस्कृत के अंदर ये 16 धातु हैं। अब इनके जो रूप बनते हैं, ची का रूप बनता है चिनोती, चिनोती जिसका अर्थ होता है चुनना। जी का रूप बनता है जयति जिसका अर्थ होता है जय हो या जीतना। ब्रू का जो रूप बनता है वो बनता है ब्रूते जिसका अर्थ होता है बोलना। सास का रूप बनता है सासती जिसका अर्थ होता है कहना।
जिसका अर्थ होता है कहना। मथ, मथ का रूप बनता है मथनाती। मथनाती का मतलब होता है मथना, दही आदि मथना। मुश का अर्थ होता है, रूप बनता है मुशनाती। मुशनाती अर्थ होता है चुराना, चोरी करना। नी का रूप बनता है नयती, अर्थ होना होता है लाना। रुद का अर्थ बनता है, रूप बनता है रुधि। रुधि का अर्थ होता है रोकना, रुधि यानी रोकना। दंड, इसका रूप बनता है दंडयति, जिसका अर्थ होता है दंड देना यानी सजा देना। दुवती, इसका रूप बनता है दोगधि, जिसका अर्थ होता है दुहना, दुहना यानी दूध दुहना। पच का रूप बनता है पचती, जिसका अर्थ होता है पकाना। याच का अर्थ होता है, रूप बनता है याचते, जिसका अर्थ होता है मांगना, मांगना। प्रच, इसका रूप बनता है पृच्छति। यहां प्रा है, रूप बनेगा प्री, पृच्छति, इसका अर्थ होता है पूछना। वह, इसका रूप बनता है वहति, जिसका अर्थ होता है ढोना, भार आदि ढोना। कृष, इसका रूप बनता है कृषति, जिसका अर्थ होता है खींचना। हरी, हरि का अर्थ होता है हरति, रूप बनता है हरति, अर्थ होता है हरना यानी हरण करना। तो ये 16 द्विक्रमक धातुएं हैं, जिनके रूप कैसे बनते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं, वो अपने यहाँ देख लिए। अब इससे इन द्विक्रमक धातुओं के कारण विभक्ति द्वितीय होती कैसे होती, वो अपन देखते हैं। जैसे लिखा राजा बलिम वसुधाम याचते, राजा बलिम वसुधाम याचते। तो अब यहां देखिएगा ये दो शब्द, ये याच, ये द्विक्रमक धातु है। अपनों को पता है कि संस्कृत के अंदर द्विक्रमक धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ये भी पता है। और दूसरी बात ये भी पता है कि इसके योग में जो कर्म रहते हैं वो कितने होते हैं, वह दो कर्म होते हैं, ये दो कर्म। अब इन दोनों में से किसी के अंदर ही पूछ ले, जिसके अंदर, किसके अंदर ही पूछ ले, चाहे इसमें पूछे, चाहे वो इसको इसको अंडरलाइन कर दे, चाहे वो इसको अंडरलाइन कर दे, विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय ही होगी। तो विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय। और इसका कारणम लिखेंगे तो कौन समझ जाएगा, कारणम हो जाएगा धातु यहाँ याचते में कौन सी है, याच, याच धातु, याच कौन सी है, याच, याच है द्विकर्मक, याच द्विकर्मक धातु हो योग है द्वितीय। ये इसका विभक्ति कौन सी, उसका रूप कारण कौन सा रहता है, वो अपन ने पढ़ा। अब इन्हीं में से अपन संस्कृत अनुवाद और शुद्ध रूप, संस्कृत अनुवाद और इसका अशुद्धि संशोधन कैसे होता है वो देखते हैं। संस्कृत अनुवाद में यहां लिखा शिष्य गुरु से प्रश्न
पूछता है। अब आप इसको देखिएगा, पूछता है, अब अपन को पता है पूछता है को संस्कृत में पृच्छति कहते हैं, और जो पृच्छति है वह द्विकर्मक धातु है, और द्विकर्मक धातु के योग में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय होती है, ये बात हमको पता है। लेकिन लेकिन इसमें तो द्वितीय लगा देंगे, मान लीजिए कुछ है नहीं, इसमें तो द्वितीय हो जाएगी, लेकिन ये जो है उसमें तो पहले कारक के चिन्ह से कौन सी लग रही है? कारक के चिन्ह से कौन सी लग रही है? तृतीय लगनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ कट जाएगी, नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी? दोनों में द्वितीय लगेगी, तो ये हो जाएगा शिष्य गुरु प्रश्नम पृच्छति, ये दोनों द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। अब ऐसे ही यहां लिखते हैं माता तंडुले, माता तंडुले ओदनम पच्यति। ये वो कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करना है, तो अपन को देखना है कि ये जो ध्यान है अपने को पच्यति, द्विकर्मक धातु होती है जिसके योग के आगे द्विकर्म होते हैं, ये कर्म तो है लेकिन ये गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। इसमें विभक्ति उन्होंने कौन सी लगा दी? इसमें विभक्ति लगा दी उन्होंने तृतीय, तृतीय लगा दी, होनी कौन सी चाहिए? द्वितीय होनी चाहिए, इसमें द्वितीय है लेकिन इसमें द्वितीय नहीं है, तो द्वितीय करेंगे तो सही, जब इसको द्वितीय कर देंगे तो अपने वाक्य से बन जाएगा माता तंडुलान ओदनम पच्यति, ये आपका अशुद्ध शुद्ध हो गया। तो ये नियम नंबर तीन था द्विकर्मक वाला, जिसका अपन ने विभक्ति उसका कारण कैसे पता करेंगे, संस्कृत अनुवाद इसमें कैसे बनेगा, अशुद्धि संस्कृत में इसमें कैसे सही होगा, वो अपने पढ़ लिया। अब इसका नियम नंबर चार, अब अपन पढ़ते हैं नियम नंबर चार। नियम नंबर चार इसका कहता है कालवाची शब्द अत्यंत संयोगे द्वितीय, ऐसा ही नियम नंबर पांच है। नियम नंबर पांच वो कहता है मारकवाची शब्दे अत्यंत संयोगे संयोगे द्वितीय। कालवाची वो मारकवाची, कालवाची जैसे पंच दिनानि द्वादश वर्षाणि माशा, ये सब क्या होगा? कालवाची। अब यहां वो कह रहा है कालवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति हो, कालवाची शब्द दिए हो और द्वितीय विभक्ति हो, यानी यहां क्या कह रहा है कालवाची शब्द हो उसमें द्वितीय विभक्ति हो, बस ये अपन को पता करना है। जैसे लिखा सह पंच दिनानि पठति, या इसका लिखे दूसरा वाक्य लिखे
सात मासम अधीते, इसमें दे दे। तो यहां विभक्ति तो द्वितीय है, विभक्ति तो द्वितीय है दोनों में, यहां भी द्वितीय है यहां भी द्वितीय है, क्योंकि कालवाची शब्द है, कालवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति तो है, लेकिन जो कारण लिखेंगे वो कारण जो हो जाएगा कारण वो ये होगा कालवाची शब्द, कालवाची शब्द अत्यंत संयोग द्वितीय। अब ये जो शब्द दिए, ये जो वाक्य लिखे, इसका अर्थ है वह पांच दिनों से पढ़ रहा है, वह पांच दिनों से पढ़ रहा है, यह है इसका अर्थ हो जाएगा वह महीने भर से पढ़ रही है। अब यहीं से अपन इसी के अंदर से वो संस्कृत अनुवाद ऐसे भी संशोधन देखते हैं कि पांच दिनों से अत्यंत से वो लगातार महीने भर से लगातार, तो इनमें द्वितीय विभक्ति होगी, वैसे तो दिनों से तृतीया होनी चाहिए लेकिन यहां द्वितीय विभक्ति होगी। ऐसे ही यदि तृतीया दे रखी है तो द्वितीय करनी है, संस्कृत अनुवाद और अशुद्धि संशोधन इसमें सही कर सकते हैं। अब इसमें है मार्गवाची योजनम क्रोशम, योजना में योजन एक मार्ग की नाप है, क्रोशम यानी कोष, ये भी एक मार्ग की नाप है। अब यहां कह रहा है मार्गवाची शब्दों में द्वितीय व्यक्ति होनी चाहिए, द्वितीय हो मार्गवाची शब्दों में द्वितीय व्यक्ति हो, कैसे हो, नदी क्रोशम कुटिया अस्ति, ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य कहता है सा योजनम चलती, अब ये दोनों मार्गवाची शब्द है, तो दोनों मार्गवाची शब्द है, विभक्ति तो इन दोनों में क्या है, विभक्ति तो द्वितीय है, जो इसका कारण होगा वो हो जाएगा ये मार्गवाची शब्द है, तो कारण जो होगा मार्गवाची शब्द अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे द्वितीय, इनका अर्थ क्या बनता है, इसका जो अर्थ बन रहा है वो बन रहा है नदी कोस भर से टेढ़ी, कोस भर से टेढ़ी, इसका बन रहा है वह योजन भर से चल रही है, वह एक योजन से चल रही है। तो ये यहां देखिएगा, यहां कारक से तो लग रहा है कि तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों मार्गवाची शब्द है इसलिए तृतीय विभक्ति होगी, तो अत्यंत संयोग कारण, तो इसको भी अपन संस्कृत अनुवाद में ध्यान रखेंगे, जब संस्कृत अनुवाद करेंगे तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, और यदि तृतीय विभक्ति लगी है तो उसको शुद्ध करने में इसको द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो यहां ये हमारी द्वितीय विभक्ति के पांच